ऐसी है कि बीमारी ऐसी है कि राहुल जस्ट कईयों रिपीट को रिपीट अगेन नो फ्रॉम द स्टोरी ऑनवर्ड्स। स्टोरी तो फर्स्ट ईयर में मेरा रूममेट था, उसको कैंसर था फर्स्ट ईयर में। तो उसने काफी ट्रीटमेंट करवाया कैंसर का, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया अपना ट्रीटमेंट। और कैंसर ऐसी बीमारी है कि कईयों को ले ले गई अपने साथ। तो फाइनेंशियली उसने सोचा कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो मैं करवा नहीं सकता, तो क्यों ना योगा में ट्राई किया जाए। तो उसने क्या किया, पतंजलि में जाके बाबा रामदेव के पास जाके उसने योगा करना शुरू किया। तो 1-1.5 साल के अंदर वो बताता था मुझे कि 1-1.5 साल के अंदर जो मेरा ट्यूमर था, एक ट्यूमर था, वो काफी कम हो गया। फिर उसने बोला उसके बाद ना मैंने कभी टेस्ट करवाया ना कोई मेडिसिन खाई, बस योगा कंटिन्यू करता गया करता गया। बोलता अब मेरे को कुछ फील नहीं होता इसके बारे में कि मुझे कैंसर था भी कभी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है जो बताता है कि हमें हेल्दी लाइफ देता है योगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हेल्थ से आप क्या समझते हैं, हेल्थ और वेलनेस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। जैसा कि खुशबू जी ने हमें बताया, डेफिनेशन तो बता ही दी थी। इसका मतलब ये है कि किसी भी बीमारी की अनुपस्थिति और शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। और वेलनेस की है, इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्टिमम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, कि मतलब हम फिजिकली और मेंटली वेल हैं, तो इसका मतलब कि वी आर वेल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नीड ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफस्टाइल आजकल ऐसा चल रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं। तो मॉडर्न लाइफ में योगा की हमें क्या नीड है, तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करता है हमें इसमें मॉडर्न लाइफ में। तो फिजिकल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एट ऑल लेवल्स। हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब कि हम हमारा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ प्रॉपरली और वेल मैनर्ड चलता है, तो इसका मतलब कि हम फिजिकली फिट हैं। और बाय योगा षटकर्मा बंदाज आसना प्राणायाम करके हम एक फिजिकल बॉडी या फिजिकल हेल्थ अपनी अचीव कर सकते हैं। दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, इट इफेक्ट्स हाउ वी थिंक फील एंड एक्ट। इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं कि दिमागी तौर पर आप बीमार हो या पागल हो तो इसका मतलब है कि आप मेंटली अनफिट हैं। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में पता है और वो जीवन के तनावों को सामान्य रूप से का तनावों का सामना कर सकता है और समाज के प्रति अपना अच्छा योगदान दे सकता है, तो वो मेंटली फिट है या मानसिक तौर पर उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ इंक्लूड्स अवर पर्पसफुल लाइफ एंड एक्चुअलाइजेशन। मतलब हमें लाइफ की रियलिटी के बारे में पता है कि मतलब क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में हमें पता है और हम अपना एक कनेक्शन बना पा रहे हैं जो भी हम अपना काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, मतलब मेन कॉजेज क्या हैं आज के टाइम पे जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं या हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। तो इसमें आता है हमारा थ्री ताप है, थ्री काइंड्स ऑफ डिजीज कह सकते हैं, नहीं या थ्री टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो आजकल की मॉडर्न युग कह सकते हैं इसमें बीमारियां फैल रही हैं या इसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। तो इसमें तीन टॉपिक हमारे आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक का मतलब है जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, या ऐसे मतलब कि डे टू डे लाइफ से कुछ भी हो सकता है, खाना बना रहे हैं थोड़ा सा जल गया, तो ये हमारे आदि भौतिक में आता है। दूसरा है आदि दैविक जो नेचुरल कॉजेस,
जैसे सुनामी आ गई या अर्थक्वेक आ गया, ये आएगा तो मतलब आपने भी साथ में जाना है, मतलब नेचुरल कोशिश, जैसे जैसे मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, जैसे नेचर का ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ को काट के रोड बना दिया तो वो पहाड़ दोबारा अपना रास्ता बनाएगा, पुल बना दिया, ज्यादा पानी आएगा तो वो पुल टूट जाएगा, तो फिर ऐसे चल रहा है। जब बाढ़ आ जाती है, कई घर बना दिए हैं, नीचे से पहले नाला था फिर घर बना दिए, फिर उसके बाद जब उसमें बरसात के टाइम पर ज्यादा पानी लगा आने तो वो घर भी टूट गया, सब कुछ बह गया साथ में। मतलब जैसे जैसे मानवीकरण किया जा रहा है प्रकृति का, उसकी वजह से हमें ही इसके कॉजेज इफेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है आध्यात्मिक, ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारी सोचने की क्षमता, मतलब कि हमारी मेंटली हम कैसे हैं, कि स्ट्रेस में है ज्यादा, बीपी बढ़ा लिया या डायबिटीज करवा ली अपने आप को, तो मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, हम मतलब कि हैप्पी लाइफ जिएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो फिर उसकी वजह से हमें ये सब डिजीज नहीं होंगी। फिर इसमें हमारा दूसरा है क्लेश, क्लेश के भी कई कारण हैं, जैसे अविद्या, नॉलेज की कमी, कि मतलब आपको किसी चीज में की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उसमें अपना टांग अड़ा रहे हो या बहस करे जा रहे हो, तो ये क्लेश है। इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस आता है, फिर मेंटली स्ट्रेस आता है और हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है अस्मिता, ईगो, कभी कभी जैसे ईगो के चक्कर में, ईगो में आके हम कभी कभी ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि हमें फिर उसको बाद में भुगतना पड़ता है, या फिर हमें वो बार बार टेंशन देता रहता है, बार बार उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये हमें डिजीज हो सकती है या कोई। फिर तीसरा है राग, अटैचमेंट, किसी चीज से ज्यादा अटैच्ड हो जाना, जैसे कोई हमने काम कर रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है, नहीं तो हम करना नहीं चाहते, तो करना पड़ रहा है क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से उससे अटैच्ड हैं, चाहे वो फैमिली कंडीशन देख लो, चाहे वो कुछ और देख लो, पर हमें उसके साथ अटैच्ड रहना पड़ रहा है, पर उसकी वजह से हम मेंटली हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हमें मेंटली स्ट्रेस मिलता रहेगा, फिर उसके कॉजेज हमें बाद में भुगतने पड़ेंगे। तीसरा है द्वेष, इसका मतलब है जेलस, किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखना, किसी के लिए, किसी ने कुछ अच्छा ले लिया तो उसके बारे में सोचने लग पड़े, उसने कैसे ले लिया या मैं कैसे रह गया, तो फिर इस चीजों को बार बार सोचते रहते हैं, उसकी वजह से हमें भी हमें मेंटल स्ट्रेस मिलता रहता है। नेक्स्ट है अभिनिवेश, फेयर ऑफ डेथ, मौत से डर, मतलब पहले ही सोच के बैठे हैं कि डेथ कैसे होगी या क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ दिमाग में लेके बैठे हैं, फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, सोचते रह रहे हैं, फिर उसकी वजह से भी हमारे कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में, और स्ट्रेस से कई बीमारियां, स्ट्रेस तो कई बीमारियों का कारण है। अगला टॉपिक है योगा प्रिंसिपल्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस, योगा प्रिंसिपल्स क्या है हमारी हेल्थ और वेलनेस के लिए। इसमें है पतंजलि में कहा गया है यम और नियम का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, यम और नियम हमने पढ़ा, एट लिंगो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें हमने यम नियम पढ़ा, इसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना करेंगे तो हम एक हेल्दी और वेल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा है योग वशिष्ठ में कहा गया है आचार विचार को फॉलो करना, जैसे बताया खुशबू जी ने, फोर पिलर ऑफ योगा, आचार विचार आहार विहार, तो इसमें इसमें कहा गया है आचार विचार का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मतलब कि हमारा औरों के प्रति कैसा बिहेवियर है, और आहार, आहार को ऐसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए 75% हमारा जो डाइट है वो डिपेंड करती है, 25% हमारा वर्कआउट और 5% हमारी माइंडसेट, इससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली भी। तो सर यही था, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।